दाओ फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2001 पर रिलीज़ हुई धड़कन मूवी के बारे में। और धड़कन मूवी की बात करूं तो इस मूवी पर सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और शर्मिला टैगोर जहां काम कर रहे थे। और इस मूवी को 2001 की एक बहुत ही शानदार मूवियों में से एक गिना जाता है। और इस मूवी के लिए जहाँ सुनील शेट्टी का एक अहम किरदार था, जब कोई हीरो विलन का किरदार निभा रहा होता है तो आई थिंक उसको निभाने में ये लगता है कि वो ये किरदार निभा पाएगा नहीं। लेकिन 2001 के दौरान पर ये किरदार जो विलन का सुनील शेट्टी ने निभाया था, आई थिंक कभी कोई नहीं भुला सकता। और 2001 पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो धड़कन मूवी जिसने जिसने देखी होगी, आई थिंक इस पर जो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का जो रोल और जो एक कैरेक्टर प्ले किया गया, इसकी जो एक्टिंग, वो कभी कोई नहीं भूल सकता। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इस मूवी पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका बजट देखा जाए तो 8 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग का बजट था। और इस मूवी ने 14 से 15 करोड़ के लगभग की कमाई की थी। और वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में 14 से 15 करोड़ की कमाई थी और वर्ल्ड वाइड में इसने कमाई की थी लगभग 27 से 28 करोड़ की। कमाई भले ही इसने इतनी नहीं की, क्योंकि 2001 के टाइम की मूवी थी और 2001 में आप खुद ही जानते होंगे कि मूवी का कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन धड़कन मूवी को आज भी लोग पसंद करते हैं। और सुनील शेट्टी की इस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, यानी बेस्ट विलेन का जो रोल निभा रहे थे अक्षय कुमार के अगेंस्ट, उसके लिए 2001 पर बेस्ट विलेन के अवार्ड से नवाजा गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, वाकई में क्या धड़कन एक शानदार मूवी थी? और इस शानदार मूवी के लिए सुनील शेट्टी को 2001 का बेस्ट विलेन अवार्ड सही चुना गया था या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने भी इस मूवी को देखा हो तो आप भी बताइएगा कि अच्छी लगी या नहीं। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।